प्लीज विधवा, मुझे आपसे ये निवेदन है कि इस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि किसी कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई दो चेहरा या तीन चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर टू, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो, विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। किसी को प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। बिग बॉस का बहुत मामला बाहर चल रहा है, थप्पड़ रहा है। मैंने देखा विशाल का सिचुएशन, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, क्योंकि एक बेसिक सा कॉमेंट पास किया था यार कि कोई खूबसूरत लग रहा है ये बोल देना, उसमें बुराई क्या है। आई मीन आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, एंड उस पर अब्यूज कर देना किसी को, फिजिकल अब्यूज, आई मीन इट्स एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल। और एलिश ने जो आपके साथ किया था वो तो लिटरली जेल जाने लायक था, लेकिन फिर भी वो देखिए अभी मैंने बहुत ही ग्रेसफुल और रिस्पेक्टफुल मैनर में मेरी सिचुएशन को हैंडल किया था, इतने अच्छे से हैंडल किया था कि वो लोग खुद शर्मिंदा हो के मुझसे माफ़ी मांगने लग गए थे। तो अरमान भी वैसी तरीके से हैंडल कर सकता था, बट ही डिडंट चूज टू डू दैट। सो आई डोंट नो हाउ दे आर डीलिंग विद सिचुएशन, बट अगर कोई इस हद तक फिजिकल अब्यूज पे उतर रहा है तो उसे इमीडिएटली घर से बाहर कर देना चाहिए। नहीं, इस बात में लेकिन इतना बड़ा बनाने का जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मामूली बात थी, उसने किसी बुरे इंटेंशन से नहीं बोला था। तो आई डोंट थिंक, इतने एज में छोटा लड़का है, उसको इस हद तक हैरेस करना, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ जाता है। जब वो घर से बाहर निकलेगा वो बात रह जाती है, लोग बातें बनाते हैं, इट्स नॉट राइट। इस हद तक साइकोलॉजिकल, बट अभी तक वो बाहर नहीं आया अरमान, बट ये गलत है ना, क्यों नहीं आया? आना चाहिए, आना बिल्कुल आना चाहिए। तहल का भाई को भी निकाल दिया गया था। हाँ, वो भी गलत था। तहल का डिडंट डिजर्व टू गेट आउट, अरमान डिडंट डिजर्व टू, अरमान डिजर्व टू गेट आउट नाउ। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, बट बिग बॉस के घर में जस्टिस होता है, मेरे साथ तो बहुत जस्टिस हुआ, मुझे तो इंसाफ मिला। आई जस्ट होप विशाल को भी इंसाफ मिले। एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है विशाल की, जहाँ पे वो कुछ बोलने चाह रहा है, लेकिन जो अनिल कपूर सर है वो बोल रहे हैं कि मैंने आपसे नहीं सना से ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो उसको मतलब सारी जगहों से ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि कोई वो नादान है ना। और देखिए होस्ट आपको थ्रू आउट द टाइम देखते हैं, आप नादानियों में कैसे बिहेव करते हो आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए वो टोक रहे हैं। लाइक ही इज लाइक अ मेंटर, ही इज लाइक अ टीचर टू हिम, तो ही शुड लिसन टू द होस्ट। पर्सनल लाइफ तुम्हारी पाल रही नहीं है, समझी? तुम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो और हमें अधिकार है, हम एक्स कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, तो तुम लोग की धज्जियां उड़ाने का हमें अधिकार है, क्योंकि तुम लोग पर्सनल लाइफ तुम्हारे घर में नहीं हो, तुम लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट और उनके घर में अपनी गंदगी लेकर गई हो, तुम्हारे ये जो दो बीवियों का नाटक रचाने। तुम्हें क्या लगा पिकनिक है वहां पे पूरी देश की जनता तालियां बजाएगी तुम्हारे इस नौटंकी से, दो दो शादियों से? और तुम्हारा पति इतना नल्ला है, वो बेचारे लड़के को थप्पड़ मार दिया। बिग बॉस, आप अभी के अभी इस नल्ले को निकालो बिग बॉस से, घर से, क्योंकि जितने भी बिग बॉस में पहले से मारे गए लोगों ने मारा है उनको इमिडिएटली निकाला गया है बिग बॉस, ये अन्याय होगा। मैं राखी सावंत उसके सपोर्ट में गई थी, उसने मुझ पे गाली गलौज शुरू कर दी, बेवकूफ है, खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, दूसरों के घर पे टिप्पणियां कर रही है, दूसरों की शादियों पे टिप्पणियां कर रही है, बेस्ट फ्रेंड को घर में लाके बिठा दिया, उस पे कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। हिंदुस्तान की जो लक्ष्मण रेखा को इन लोगों ने एकदम तार तार कर दिया, लॉ को एकदम धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने, ये अरमान मलिक, ये पायल, ये
क्या नाम है कीर्ति, इन तीन तिगाड़ा बिग बॉस का नाम बिगाड़ा किया होगा, धक्का दिया होगा, वी आर होपिंग दैट कि ऐसा हुआ होगा, बट जब क्लिप गई और वी वर श्योर कि नहीं ये चीज हुई है, मतलब हाउ आई कैन टेल यू, मतलब वो मेरा मतलब वो रोना हमारा एक मेरे भाई के लिए हमारा हर चीज एक साइड और हमारा गुस्सा एक साइड, वो आदमी ये चीज कर रहा है जिसको तो इंडिया में कोई हक नहीं है ये चीज करने के लिए, वो ये चीज कर रहा है। अगर आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो अच्छी तरह से स्टैंड लीजिए, हम भी हमारे भाई के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हमें भी बहुत गुस्सा है, हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि हम क्या कर दे, पर ऑब्वियसली हम खाली बोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं किसी को, और सब ये बोल रहे हैं हम घर के अंदर है, हम घर के अंदर है, हाथ नहीं उठा सकते। गाइस आप बाहर भी किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, देयर इज अ रूल कि आप लीगली किसी पे भी आप कर सकते हो, तो पुलिस और हमारी जो हमारा पुलिस पूरी है वो हमें सपोर्ट क्यों करेगी, वो है क्यों है, तो आप रास्ते भी मारते वारते चलो ना सब लोग। उसने मेरे भाई को बोला पता नहीं कहाँ के नली गटर की नली से आ गया है, तो आई एम थैंकफुल कि हम गली के ऐसे नाले से आए हैं एकदम गले, क्योंकि हम इतने अच्छे हैं, अगर नाले के कीड़े इतने अच्छे होते हैं तो भैया आप लोग अच्छे रहो, फ्लावर बनो, पर हम गले ये नाले के कीड़े ही खुश हैं।